हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बीट टोमेटो सूप बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल बजाना ना भूलिए। बीट टोमेटो सूप बनाने के लिए ज़रूरी इंग्रेडिएंट है टोमेटो, मैंने मीडियम साइज का लिया है टोमेटो, 5 टोमेटो हैं, दो करके इसे रखा है। बीट, एक बीट, इसे मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। एक वाइट अनियन, एक चिली, एक कैरेट, धनिया, पुदीना और करी पत्ता। आप देख सकते हैं ये धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता और करी लीव्स है। लहसुन, गार्लिक, जिंजर, ब्लैक पेपर, जीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा, हाफ चम्मच चीनी, ब्लैक सॉल्ट, वाइट सॉल्ट, बटर और पानी। पानी करीब 2 ग्लास लग जाएंगे। सबसे पहले मैं कुकर में थोड़ा सा बटर डालूंगी, इसके साथ मैं थोड़ा सा गार्लिक, मैं हल्का सा इसे फ्राई करूँगी बटर में। उसके बाद अनियन इसमें डालूँगी और इस तरह से इसे टॉस करूँगी। अब मैं टमाटर डालूँगी, मैं टमाटर को चॉप करके डालूँगी। ये देखिए मैंने टमाटर डाला, अब मैं इसे थोड़ा तेज आंच पे तरह से मिक्स करूँगी। इसमें मैं ये सारे पत्तों को डालूंगी, कैरेट, जिंजर, एक चिली और बीट। बीट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे मैं तेज आंच पे 2 मिनट रखूंगी ताकि हल्का सा गार्लिक और अनियन हल्का सा फ्राई हो जाए बटर में। अब मैं इसमें शुगर, वाइट सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, दालचीनी का टुकड़ा, जीरा और ब्लैक पेपर डालूंगी। धनिया और पुदीने का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है सूप में। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, मैंने इसमें 2 ग्लास पानी डाला। इसे मैं तेज आंच पर रखूंगी और 2 सीटी आने के बाद इसे 5 to 7 मिनट्स आंच को कम करके रखूंगी ताकि ये अंदर के सारे वेजिटेबल्स अच्छी तरह से पक जाएं। सारी चीज़ें अच्छी तरह से बॉयल हो गई हैं और अब ये ठंडा भी हो चुका है। अब मैं इसे छाकूंगी। मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, उससे मैं इसके ऊपर इस तरह से डालूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसे छान लिया है। अब मैं इन सब्जियों को मिक्सी जार में डालूंगी और एक बार से एक बार उसे ग्राइंड करूंगी। इसे मैं कुकर में गर्म होने के लिए डालूंगी। इसे मैं जार में डालूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, थोड़ा सा, हाफ कप। और इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। सिर्फ एक बार ही मिक्सी को घुमाना है। मैंने इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लिया। आप देख सकते हैं स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है उसे, और ताकि टोमेटो का जो सीड्स है वो सब नहीं ग्राइंड होना है।
इस तरह से मैंने इसे कोसली ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसे स्ट्रेनर में डालूंगी इस तरह से, और इसे इस तरह से मिक्स करूंगी ताकि इसका सारा पल्प जो है नीचे आ जाए। आप देख सकते हैं ये बहुत ही हेल्दी सूप है, बीट और टोमेटो का सूप। ये देखिए ऑलमोस्ट इसका सारा पल्प निकल चुका है। इस तरह से मैं इसे सारा इसका जूस को निकाल लूंगी। देखिए आप इसके थिकनेस को देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा है। इसे मैं अब कुकर में डाल दूंगी। ये देखिए इसका, आप देख सकते हैं इसका रेड कलर कितना ब्यूटीफुल है। अब हम इसे मिनिमम 5 to 7 मिनट्स के लिए इसे उबालेंगे, उसके बाद सूप जो है रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस को। अगर आपको गाढ़ा सूप पसंद है तो आप उसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर घोल करके डाल सकते हैं, जिससे सूप अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। बीट रूट और कैरेट की वजह से ये गाढ़ा हो जाता है, इसमें कॉर्नफ्लोर डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैंने सूप को सूप बाउल में निकाल लिया। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर डालूँगी। ये देखिए थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट। बीट टोमेटो सूप के साथ हम क्रूटॉन्स भी सर्व कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ खाने में। क्रूटॉन्स बनाने के लिए मैंने 2 स्लाइस ब्रेड लिया है। इसे इस तरह से मैं कट करूंगी। ये देखिए सूप के साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये मैंने इसे, हम माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं और तवे पे भी बना सकते हैं। मैं यहाँ तवे पे बना रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और आंच को मैं मीडियम रखूँगी। इस तरह से पहले डालूँगी। सेम प्रोसेस आप माइक्रोवेव में भी बना सकते हैं। ये देखिए एक तरफ, दूसरे साइड ब्रेड अच्छी तरह से सीख गया है। इसे मैं इस तरह से उठाऊंगी और आंच को कम कर दूंगी। ये देखिए अब मैं इसमें थोड़ा सा बटर डालूंगी। आप चाहें तो बिना बटर का भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा बटर डालने से वो अच्छा लगता है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब आप सूप में डालेंगे तो उसका फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए क्रूटॉन बनके तैयार है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से दोनों साइड से सीख गया है अच्छी तरह से। आप इसे बनाइए, ये बहुत ही इजी मेथड है, और सूप के साथ में इसे खाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। बीट टोमेटो सूप बनकर तैयार है। आप इसे क्रूटॉन के साथ में खाइए और इंजॉय कीजिए। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। यदि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।